बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि देश तरक्की कर रहा है। इस समय आत्मविश्वास की जरूरत है। इस समय भारत के उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक संकल्प की आवश्यकता है। नदियों को जोड़ना, सड़कों का जाल बिछाना, अनाज की पैदावार बढ़ाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये धारणा गलत है, ये सूचना भ्रामक है कि हम ऐसी आर्थिक नीति अपना रहे हैं जिससे रोजगार के कम अवसर कम होंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारी सारी योजनाएं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हैं, कम करने के लिए नहीं। और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मैंने जब पार्लियामेंट में कहा कि एक साल के भीतर हमने 80 लाख नए रोजगार के अवसर दिए, तो श्रीमती इंदिरा जी खड़ी हो गई। इंदिरा जी नहीं, श्रीमती सोनिया जी, वो खड़ी हो गई और कहने लगी, आप तो सपने देखते हैं, मुंगेरी राम के सपने देखते हैं। इतनी पैदावार कैसे बढ़ सकती है? राष्ट्रीय आमदनी की दर 8% कैसे हो सकती है? हमने कहा हो सकती है और हम करके दिखाएंगे। और फिर हमने आंकड़े रखे उनके सामने, 82 लाख नए रोजगारों का चिट्ठा रखा, कोई जवाब नहीं था। हम रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं और हम नौजवानों से कहते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे मत दौड़िए। जो नौकरी खाली पड़ी है वो तो भरना चाहिए, आवश्यकता हो तो और भी कर्मचारी रखे जा सकते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कारखानों में, उद्योगों में स्वयं रोजगार के अवसर, अपने पैरों आप खड़े होना। हमारे यहां कारीगर हैं, अच्छे से अच्छे कारीगर हैं। हमारे यहां गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है। हमारे माल की बड़ी तारीफ होती है विदेशों में, लेकिन सड़कें न होने के कारण, प्रबंध न होने के कारण हम अपनी फसल एक समय पर बाहर नहीं पहुंचा सकते, शहरों तक नहीं पहुंचा सकते। इस तस्वीर को बदलना होगा। रोजगार के अवसर और बढ़ाए जा सकते हैं।